कई लड़कों की ये शिकायत होती है कि उनकी तरफ कोई आकर्षित नहीं होता है। दिल ही दिल में किसी लड़की को प्यार करते हैं, लेकिन प्रपोज करने की हिम्मत नहीं करते हैं कि कहीं उनकी आकर्षक पर्सनालिटी की कमी के चलते प्रपोजल ठुकरा ना दिया जाए। अगर आप भी इसी बात से परेशान हैं तो हम आपको एक तरीका बताते हैं। कामदेव का ये मंत्र आपकी मदद कर सकता है। कामदेव की पूजा जीवन साथी को पाने के लिए और मनपसंद लड़की को आकर्षित करने के लिए की जाती है। कामदेव भगवान विष्णु और लक्ष्मी के पुत्र माने जाते हैं। कामदेव ऐसे ग्रहों के स्वामी हैं जो इंसान के यौन इच्छाओं को बल प्रदान करते हैं। हम आपको एक आसान सा मंत्र बताने जा रहे हैं जिसका जाप करते ही वो खूबसूरत हसीना आपकी हो जाएगी। आपको बता दें कि कामदेव को ज्योतिष शास्त्र में प्यार का देवता माना गया है। इसके साथ ही साथ शुक्र ग्रह को भी प्यार होने का कारक माना गया है। इसलिए अगर आप अपनी पावर बढ़ानी है या आप किसी को आकर्षित करना चाहते हैं तो शुक्र या कामदेव को अपने वश में करें। अब प्रश्न ये आता है कि इन्हें वश में कैसे किया जाए, तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि शुक्र और कामदेव वशीकरण मंत्र से ये संभव हो सकता है। कई बार हमारी जिंदगी में हम किसी एक खास व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। किसी को आकर्षित करने के उपाय में वशीकरण के उपाय बहुत ही काम आते हैं। अक्सर पुरुषों के सामने ये समस्या रहती है कि वो अपनी पसंद के स्त्री से मन की बात नहीं कर पाते हैं या उसे अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाते हैं। किसी को आकर्षित करने के उपाय धैर्यपूर्वक करने के बाद आपको जल्द ही इसका प्रभाव देखना शुरू हो जाएगा। किसी स्त्री को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आप पूर्व फागुनी नक्षत्र के में अनार की लकड़ी तोड़कर ले आएं और इसके बाद इसे धूप बत्ती दिखाकर खुद के दाहिने हाथ में बांध लें। इस सरल से उपाय की मदद से आप किसी भी स्त्री को अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम हो जाएंगे। किसी भी स्त्री या पुरुष को अपने वश में करने के लिए आप थोड़ा सा गाय का घी, गोमूत्र, सरसों और पान का रस को लेकर एक साथ पीस लें। अब इसके बाद इसे अपने शरीर पर बार लगा लें। ये उपाय आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा और आप जिस किसी को आकर्षित करना चाहेंगे वो आपके प्रभाव में आ जाएगा। किसी को आकर्षित करने के उपाय में से ये उपाय सबसे सर्वश्रेष्ठ है। आप किसी को आकर्षित करने के उपाय करेंगे 7 दिन में भी वशीकरण कर सकते हैं। इस उपाय से आपको गाय का घी लेकर कुछ कनहर के फूलों में मिला दें। अब वशीकरण यंत्र को सामने रखकर मंत्र का जाप करें। इसके बाद जिस भी व्यक्ति का आप पर वशीकरण करना चाहते हैं उसका नाम 108 बार लें। ये प्रयोग मात्र 7 दिनों में आपको असर दिखाने लगेगा। हम आपको बता दें कि जब भगवान शिव की पत्नी सती अपने पिता दक्ष के द्वारा आयोजित यज्ञ में बिना निमंत्रण के पहुंच गईं, तब वहां उनके पिता ने उनका और उनके पति भोलेनाथ को बहुत ही अपमानित किया। अपने पति के अपमान से आहत होकर और पिता के व्यवहार से क्रोधित सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में आत्मदाह कर लिया। सती की मृत्यु के पश्चात भगवान शिव संसार के सभी बंधनों को तोड़कर मोह माया को पीछे छोड़कर तप में लीन हो गए। ऐसे में कामदेव ने उन पर अपना वाण चलाकर शिव के भीतर देवी पार्वती के लिए आकर्षण विकसित किया। श्री कृष्ण जो कि पूरी तरह वासना से रहित हैं, उन्हें भी कामदेव ने अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास किया। कामदेव ने भगवान कृष्ण से ये शर्त लगाई कि वो उन्हें भी स्वर्ग के अप्सराओं से भी सुंदर गोपियों के प्रति आसक्त कर देंगे। कृष्ण ने कामदेव की सभी शर्त स्वीकार की और गोपियों संग रास भी रचाया, लेकिन फिर भी उनके मन के भीतर एक भी क्षण के लिए वासना ने घर नहीं किया।
पौराणिक काल से जुड़ी बात, बहुत सी कहानियों में कामदेव का जिक्र और उनका उल्लेख सुनते हैं। जितने भी कहानियों में हमने कामदेव के बारे में सुना या पढ़ा है, उन्हें जानकर एक बात तो समझ में आती है कि कामदेव का संबंध प्रेम और कामेच्छा से है। लेकिन कामदेव हैं कौन और इनकी भूमिका क्या है, इस बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। जिस तरह से पश्चिमी देशों में क्यूपिड और यूनानी देशों में इरोस को प्रेम का प्रतीक माना जाता है, उसी तरह से हिंदू धर्म ग्रंथों में कामदेव को प्रेम और आकर्षण का देवता कहा जाता है। काम का अर्थ होता है कामेच्छा या फिर आकर्षण, और देव का अर्थ उस शख्सियत से है जिसका संबंध स्वर्ग लोक से हो। अथर्व वेद में भी काम का जिक्र हुआ है, लेकिन मात्र इच्छा के रूप में ना कि कामेच्छा के। हम आपको बता दें कि पौराणिक कथाओं के अनुसार कामदेव भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के पुत्र माने जाते हैं। उनका विवाह रति, जिन्हें प्रेम और आकर्षण की देवी कहा जाता है, उनसे हुआ था। कामदेव को अर्धदेव या गंधर्व देव भी कहा जाता है, जो स्वर्ग के वासियों में कामेच्छा उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी हैं। जबकि कुछ कथाओं में ये भी उल्लिखित है कि कामदेव स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और इनका संबंध भगवान शिव से भी है। इनके स्वरूप की बात की जाए तो कामदेव को सुनहरे पंखों से लैस एक सुंदर नवयुवक की तरह प्रदर्शित किया गया है, जिसके हाथ में धनुष और बाण है। उनका धनुष मिठास से भरे गन्ने का बना होता है और उस पर शहद की मक्खियों से खूबसूरत तोते की सवारी करते हुए कामदेव के धनुष के बाण अशोक के पेड़ के महकते फूलों के अलावा सफेद, नीले कमल, चमेली और आम के पेड़ पर लगने वाले फूलों से बने होते हैं। कामदेव के बाण ही नहीं, उनका क्ली मंत्र भी विपरीत लिंग के व्यक्ति को आकर्षित करता है। अगर आप किसी अन्य व्यक्ति को अपने प्रति आकर्षित करना चाहते हैं तो इसमें कामदेव मंत्र आपकी बहुत सहायता कर सकता है। इस मंत्र को बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। कामदेव के क्ली मंत्र का नित्य दिन जाप करना आपके और सामने वाले व्यक्ति के भीतर प्रचुर मात्रा में संवेदना उत्पन्न करता है। इससे न सिर्फ आपका साथी आपके प्रति आकर्षित रूप से आकर्षित होगा है, बल्कि आपकी प्रशंसा करने के साथ साथ वो आपको अपनी प्राथमिकता भी बना लेगा। इस मंत्र को हम आपको बता दें कि भोर या फिर सुबह सूर्योदय से पहले और रात्रि में 108 बार पढ़ने से मात्र 21 दिनों के भीतर ही व्यक्ति कामदेव को सिद्ध कर सकता है। लेकिन इसके लिए आपके ध्यान और श्रद्धा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये मंत्र सिर्फ दूसरे व्यक्ति को अपने प्रति आकर्षित करने के लिए ही नहीं, बल्कि उनके आकर्षण को बरकरार रखने के लिए भी उपयोगी है। लेकिन इस मंत्र के साथ कई शर्तें भी जुड़ी हुई हैं, जिन्हें जानना बहुत ही आवश्यक है। सबसे पहली शर्त यह है कि मंत्र जाप करने वाले व्यक्ति को केवल शाकाहारी भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। इसके अलावा मंत्र जाप करने से पहले स्नान करना भी अत्यंत ही आवश्यक है। श्रद्धा और समर्पण की भावना इस मंत्र की सफलता के लिए बूस्टर साबित होती हैं। कहा जाता है प्राचीन काल में नर्तकियां भी इस मंत्र का जाप करती थीं, क्योंकि वो अपने प्रशंसकों के आकर्षण को खोना नहीं चाहती थीं। ऐसा माना जाता है कि इस मंत्र के लगातार जाप करते रहने की वजह से उनका आकर्षण, सौंदर्य और कांति बरकरार रहती है। कामदेव मंत्र प्रेम भावना जगाने और प्रेमी को आकर्षित करने के लिए बहुत ही उपयोगी है। लेकिन अगर आप अपने जीवन में सच्चा प्रेम पाना चाहते हैं तो इस मामले में भी ये मंत्र आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है।